स्वागत है आप लोगों का ट्यूसडे में। मैं नसीम सलमानी लेकर आया हूँ नई सीरीज विद बायोमी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। हमारा टॉपिक है हेयर कट और स्टाइलिंग। जैसा कि आपने लास्ट सीरीज में देखा था, हमने हेयर कलर के ऊपर एक सीरीज बनाई थी जिसमें आप सभी लोगों ने बहुतों ने पार्टिसिपेट किया है, और जिसने अभी तक नहीं किया तो रेड कलर कॉन्ट्रास्ट हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है बायोमी के ऊपर, जिसमें आप अपने पार्टिसिपेट कर सकते हो और जीत सकते हो 50,000 रुपये का इनाम। तो देर मत कीजिए, बायोमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एंट्री जल्दी से जल्दी भेजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड सभी से बोलिए कि वो रेड कंट्रास्ट को क्रिएट करें, एक अच्छी सी लुक क्रिएट करके बायोमी के तरफ टैग कीजिए और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए इसी तरीके, बिकॉज हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हेयर कट एंड स्टाइलिंग। ओके, सो सबसे पहले क्लाइंट का हेयर कट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ें। क्या जॉब प्रोफाइल है उनकी, वो एक स्टूडेंट है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक कॉरपोरेट मैनेजर है, बिकॉज इसी से हमें पता चलता है कि हमें उनको कितनी अच्छी और कितनी सफिस्टिकेट लुक देनी है, उनके बालों को कितना बैलेंस रखना है या बहुत शैग हेयर कट देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब हम कंसल्टेशन करते हैं क्लाइंट से। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्लाइंट को कि उनके बाल कैसे है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी फेस शेप कैसी है, उनकी हेड शेप कैसी है और टेक्सचर कैसा है, राइट? तो बने रहिए इसी तरीके से। ओके, जैसे कि हमने देखा कि हमने अपने क्लाइंट के साथ में कंसल्टेशन की है, उसके बाद में हमने जो डिसाइड किया है, जो हमारी क्लाइंट है इनका नाम है विशाखा और उनकी हेयर बहुत ही अमेजिंग है, नेचुरल टेक्सचर है, सॉफ्ट वेव है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आगे बाल बहुत थिन है एंड शॉर्ट हेयर भी है। और हमारी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, लेंथ को मेंटेन करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, ताकि इनका जो राउंड फेस शेप जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा सा ये लॉन्ग या ओवल शेप आए। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी क्लाइंट के हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल लग रहा है, स्टिकी बहुत ज़्यादा है। हेयर कट करने से पहले हमें वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वॉश करने के बाद में हमें बालों की नेचुरल डायरेक्शन पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वॉश। आइए, ओके, जैसे कि आपने देखा है किस तरीके से अपने क्लाइंट के साथ में कंसल्टेशन की, बहुत ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें। कंसल्टेशन करने के बाद में हमने किस तरीके से अपनी पार्टिंग को डिसाइड किया, क्या करना है क्या नहीं। तो देर मत कीजिए, बायोमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एंट्री जल्दी से जल्दी भेजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड सभी से बोलिए कि वो रेड कंट्रास्ट को क्रिएट करें, एक अच्छी सी लुक क्रिएट करके बायोमी के तरफ टैग कीजिए और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए इसी तरीके, बिकॉज हम आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो इसी तरीके की नॉलेज के लिए आप जुड़िए, नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे आपको प्रॉपर हेयर कट। डोंट गो वे।